आखिर ते ईमान अरकान ईमान चो एक अहम तरीन रुकन है। अल्लाह ताला ने अपनी अजीम किताब से 19 मकाम ईमान बिल्लाह नूं आखरत ते जोड़िया है और बड़ी ताकीद की ते बयान किया कि एक दिन जरूर वाकया होण वाला दिन आएगा जिंदे तो कोई फरार नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ते तुहानू क़यामत वाले दिन जमा करेगा जिस दिन दे आन च कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला दी बात तो वड्डी सच्ची गल किंदी हो सकती है। यौम आखरत ते ईमान तो मुराद यौम आखरत ते ईमान दा मफहूम यह है कि क़यामत दे दिन ते हर उस चीज़ के वाकया होने पुख्ता यकीन रखे जिंदे बारे अल्लाह ताला ने कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के बाद होने वाले वाकया के बारे हदीस के अंदर दसिया। इस अकीदे के मुताबिक दुनिया च अमल करे। आखरत ते ईमान ते क़यामत दी निशानियां ते ईमान, मौत ते ईमान, कबर च किते जाण वाले सवालां ते ईमान, कबर दे अज़ाब मौत तो बाद मिलन आलियां नेमतां नूं तस्लीम करना और अल्लाह ताला नाल मुलाकात, हिसाबो किताब, मजलूम नूं जालम कोलों कसास ओ बदला और इस बात ते ईमान के उस दिन नामे अमाल पेश किया जाएगा और सारे लोगों के सज्जे हाथ ते बदबख्त लोगों के खब्बे हाथ नामे अमाल दिता जाएगा। नीज़ इस बात ते ईमान के उस दिन तराजू लगाया जाएगा तो जिंदे च अमल तोले जाएंगे। पुल सरात कैम होएगा, हर नबी का हौज होएगा, नबी सलसम का हौज़ कौसर होएगा और क़यामत दे दिन मुख्तलिफ किस्म की सिफारशा होनगियाँ जो जिहड़ियाँ अल्लाह ताला दे हुक्म नाल होंगियाँ। नेक लोगों का जन्नत च जाना और मुजरिमीन का अपने अंजाम नूं पाना ते जहन्नम च जाना होएगा। यौम आखरत दे ईमान का फायदा, अगर आखरत ते ईमान बंदे दे दिल च सही तौर पर पैदा हो जाए तो उनके बहुत बड़े समरात हासिल होंगे ने। मसलन नेक अमाल करन दी ख्वाहिश, उस दिन दे सवाब दी उम्मीद रखदे होए नेक अमाल दा शौक, उस दिन दे अजाब दे खौफ तो गुनाह करन तो बचना, मोमन नूं दुनियावी नेमतां तो महरूमी ते तसली ते हौसला मिलदा है क्योंकि उन्हूं आखरत दी नेमतां दी जन्नत दी सूरत च उम्मीद हुंदी है। आखरत दे ईमान मोमन दी रूह और एहसासात नूं सुकून दिलांदा है, इस बेचैनी ते बेइतमानी ते मायूसी नूं तो दूर रखदा है। आखरत दे दिन ते ईमान अखलाकी अकदार दा मुहाफज़ है ते दुनिया दीयां लज़तां ते दुनिया दी लज़तां कोलों थका देने वालियां जद्दोजहद तो खुद नूं बचांदे होए अकीदा बड़ा मामन हुंदा है। अगर बंदे नूं मालूम हो जाए कि वह दिन आने वाला है, उन्दे च कोई शक नहीं है तो दुनियावी अमूर वास्ते अपना वक्त ज़ाया करन दी बजाय उनकी फिक्र करे और तैयारी और जद्दोजहद और जस्तजू करे। अल्लाह ताला दा फरमान है, ईमान वालो अल्लाह तो डरदे रहो। और हर शख्स नूं गौर करना चाहिए कि उन्हें कल आखरत दे वास्ते की तैयारी की है। अल्लाह तो डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला तुहाडे सारे अमाल तो बाखबर है।